नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम अजीत। हम देख रहे हैं बीएससी पार्ट वन की फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर, और आज हम थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन करेंगे। यूनिट थर्ड आज से स्टार्ट हो रही है। यूनिट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इज अर्थ एंड इनर्शियल फ्रेम और नॉट। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, और इसी में क्या है एज द अर्थ इनर्शियल फ्रेम, एज द अर्थ इनर्शियल फ्रेम। तो इसी में क्या है एज द अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है क्वेश्चन। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत इसको स्टडी करने की क्यों पड़ रही है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है और इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, अर्थ इनर्शियल फ्रेम है या नहीं है, ये सब बातें हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी नीड क्यों पड़ी। तो हम मान लेते हैं जैसे कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम होते क्या है। सबसे पहले हम इनर्शियल फ्रेम देखेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, न्यूटन के जो नियम है, न्यूटन जो लॉ है वो अप्लाई होते हैं इसमें, क्या होते हैं, न्यूटन के लॉ अप्लाई होते हैं इसमें, क्या न्यूटन लॉ, न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं, लागू होते हैं। न्यूटन के लॉ क्या होते हैं इसमें, लागू होते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐसा नहीं होता, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेंगे उसमें ऐसा नहीं, न्यूटन्स के लॉ जो होते हैं वो लागू होते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति रेस्ट में है, फर्स्ट लॉ क्या होता है न्यूटन को, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है, तो रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है क्या होता है फर्स्ट लॉ, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, इट विल बी एज इट विल बी एज इट इज तो क्या होगा, इट विल बी एज इट इज, जैसा कि यह है, इट विल बी एज इट इज अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट।
फर्स्ट लॉ क्या कहता है न्यूटन का, कोई भी चीज अगर मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो मोशन में ही रहेगी, मूव करती रहेगी, और कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक ऐसा रहेगा? जब तक कि कोई बाह्य फोर्स हम उस पर अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे कि ये टेबल है एक, टेबल पे ये क्या रखी है, ये बॉल रखी है, टेबल पे एक बॉल रखी है, तो ये बॉल यहां पे रखी रहेगी जब तक क्या कोई बाह्य फोर्स नहीं लगेगा। ये क्या है, इट विल बी इन रेस्ट, ये हमेशा रेस्ट में रहेगी, और जब इस पे बाह्य फोर्स लगेगा तो इस बॉल पे अगर हमने फोर्स एफ लगा दिया तो ये क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज। तो क्या हो जाएगा, व्हेन अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स एफ इट विल चेंज इट्स स्टेट, क्या होगा, ये अपनी स्टेट में परिवर्तन करेगी जब हम इस पर कोई बाह्य फोर्स लगाएंगे, तब तब इसकी स्टेट में क्या होगा, हेयर विल बी चेंज इन इन इट्स इट्स स्टेट, तो इसकी स्टेट में चेंजिंग होगी। जब हम बाह्य फोर्स लगाएंगे तो इसकी स्टेट में क्या होगा, परिवर्तन होगा, ये यहाँ पे है अभी वहां पहुंच जाएगी। तो यही होता है हमारा न्यूटन का लॉ की बाहर, फर्स्ट लॉ की बाहर का कोई भी बल जब तक अप्लाई नहीं होगा किसी चीज पे, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ये क्या है, शर्तें हैं, ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम की शर्तें हैं, ये इनर्शियल फ्रेम में होता है ये सब कुछ, किस में होता है ये सब कुछ, इनर्शियल फ्रेम में होता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, टेबल क्या है, ये टेबल क्या है, इनर्शियल फ्रेम है, क्या है, टेबल, टेबल यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टेबल क्या हो गई यहाँ पे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्चुअल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह चीज है जिसके सापेक्ष में हम किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ज्ञात करते हैं, वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या क्या हो गया यहाँ पे, टेबल हो गई, क्योंकि टेबल के रेस्पेक्ट में हम बॉल की पोजीशन देख रहे हैं, टेबल के रेस्पेक्ट में बॉल की पोजीशन यहाँ पे क्या है, रेस्ट में है जब तक कोई बाह्य फोर्स नहीं लग रहा। अब टेबल के रेस्पेक्ट में बॉल की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी जब बाहर का फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई कर देंगे। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप समझ में आ गया होगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, न्यूटन के लॉ फॉलो होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और क्या है दूसरा, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम इसी को हम क्या कहते हैं, जड़त भी है, और उसको नॉन इनर्शियल को क्या कहते हैं, अजड़त भी है, यानी कि जड़त भी है निर्देश फ्रेम और अजड़त भी है निर्देश फ्रेम, क्या कहते हैं इसको, जड़त भी है हिंदी में, और इसको हम क्या कहेंगे, अजड़त भी है। नॉन इनर्शियल है तो अजड़त भी हो गया, इनर्शियल है जड़त भी, इसमें क्या होगा, न्यूटन लॉ अप्लाई, न्यूटन लॉ क्या होंगे, न्यूटन के नियम लागू होंगे, क्या होंगे, लागू होंगे न्यूटन के नियम, इसमें क्या होगा, न्यूटन के नियम लागू नहीं होंगे, लागू नहीं होंगे, न्यूटन के नियम लागू नहीं होंगे इसमें, ठीक है।
तो न्यूटन के नियम इसमें लागू होंगे और न्यूटन के नियम उसमें लागू नहीं होंगे। सबसे पहली बात, इसमें क्या है, ये है कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि हमने देख लिया, जैसे कि कोई बाह्य फोर्स नहीं लग रहा है, ये है एक फ्रेम एक्स वाई जेड, ये हमने क्या ले लिया, एक फ्रेम ले लिया। लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद टाइम टी, ठीक है, टाइम टी के साथ है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस समय के साथ है। समय फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखा है, समय चल रहा है, तो समय चल रहा है। अब इसमें क्या होगा, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के नियम लागू होंगे। सबसे पहली बात तो न्यूटन के नियम लागू होंगे, कोई बाह्य बल कार्य कर नहीं कर रहा है तब कार्तीय निर्देशांक, माना किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इनर्शियल फ्रेम में कोई भी बाह्य बल, मान लीजिए इस पर कार्य नहीं कर रहा है, इसमें क्या है, इसमें हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दो तरीके से समझते हैं, जेड एक्स और वाई। जेड ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है, किसमें है, ये रेस्ट में है। और जो ऑब्जेक्ट अंदर रखा है क्या है, ऑब्जेक्ट क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट ये क्या है, ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स पोजीशन, यानी कि जो फ्रेम है वो रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन में चेंज करेगा, ये हो गया इसमें। और इसमें क्या है, जो फ्रेम है, फ्रेम फ्रेम रोटेट कर रहा है, नंबर हमने मान लिया फ्रेम वन, और ये क्या मान लिया, फ्रेम टू, फ्रेम वन इज इन मोशन, किसमें है, मोशन में, फ्रेम वन किसमें है, मोशन में। लेट इफ इट सडन स्टॉप, अगर ये सडन रुक जाता है, मोशन में है फ्रेम, तो फ्रेम मोशन में है और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखा है, इसके अंदर क्या रखी है, एक बॉल रखी है, ऑब्जेक्ट इसके अंदर भी एक बॉल रखी है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, फ्रेम में क्या है, मोशन में है। जैसे ही इफ इट सडन स्टॉप देन इट कौन, इट कौन, ये फ्रेम है, कौन, फ्रेम, फ्रेम क्या करेगा, इफ इफ फ्रेम सडन स्टॉप देन ऑब्जेक्ट फील फील एन एक्सटर्नल, ऑब्जेक्ट फील, मतलब फील ना लिख के हम, वैसे फील ही करेगा ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल फोर्स को अपने ऊपर, क्योंकि जब ये मूव कर रहा है मोशन में है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इधर जा रहा है, तो ये क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जैसे ही सडन स्टॉप होगा, जैसे ही ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस सडनली स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप सडन, जैसे ही बस है, जैसे कि क्या है, बस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने क्या मान लिया, सडन, सडन रुक गई, क्या किया, लेट बस स्टॉप सडन, तो क्या होगा, जो उसमें यात्री हैं, पैसेंजर क्या होंगे, पैसेंजर क्या होंगे, पैसेंजर अपने ऊपर एक बल अनुभव करेंगे, पैसेंजर क्या करेंगे, अपने ऊपर एक बल अनुभव करेंगे जो कि होगा नहीं रियल में। कौन सा बल, बल केवल अनुभव होगा उनको, वो बल होगा नहीं, तो जब बल होगा ही नहीं तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया,
एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो क्या हो जाएगा यहां पे, एक्सिलरेशन होगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो एक्सिलरेशन, क्या हो जाएगा यहां पे, एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, एफ इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। तो जब एफ इक्वल टू जीरो होगा तो ए इक्वल टू भी जीरो होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा जब एफ जीरो है तो। ठीक है, सिंपल है, इस पे एफ जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, ये किस में है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या नहीं होगा, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा इस पोजीशन में, जब ये सडन रुकेगा तो यहाँ पे एक्सेलरेट करेंगे पैसेंजर किधर को, बॉल एक्सेलरेट कर जाएगी किधर को, इधर को, इसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा और बॉल यहाँ पे आ जाएगी अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इधर आगे बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसी को हम क्या कहेंगे, जो बॉल इधर आ गई, जो बॉल इधर डिस्प्लेस हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा बल है ये, छदम बल, क्या कहेंगे इसको हम, छदम बल, यही छदम बल होता है फील, किसमें, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जिसमें कि कोई भी आदमी यहाँ पे है और उसका एक भाई अंतरिक्ष में चला गया, तो दोनों की एज में फर्क पड़ जाता है, यानी कि कोई स्पेस की यात्रा पे निकल गया और कोई यहाँ पे है, तो इनर्शियल एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है और एक इनर्शियल फ्रेम में है, तो दोनों की एज में और दोनों ने बिताए दिनों में बहुत अंतर पड़ जाता है, चूंकि वो एक ही, दोनों को लगेगा कि ये हुआ कैसे, एक बुढ़ा हो चुका होगा एक जवान, तो ये इसी से होता है सब, इसी कॉन्सेप्ट से होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही अजीबोगरीब चीज है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है हमें यहाँ पर केवल, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, इसके एप्लीकेशंस बहुत वाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जीपीएस जो लोकेशन बताता है वो इसी के अकॉर्डिंग बताता है, और बहुत सी चीज़ों में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे अनुभव करेंगे, लेकिन फोर्स क्या है, फोर्स होगा नहीं, चूंकि यहाँ पे क्या है, फोर्स क्या है, जीरो है, और फिर भी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो न्यूटन के नियम फॉलो ही नहीं हो रहे, फोर्स जीरो है फिर भी एक्सेलरेशन है, या एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो क्या है, न्यूटन लॉ क्या हो गए यहाँ पे, फेल हो गए, इस वजह से न्यूटन के लॉ क्या हो जाते हैं, फेल, न्यूटन लॉ क्या हो जाता है यहाँ पे, फेल हो जाते हैं, फेल्ड। ठीक है, अब एक अपनी जेड अक्ष के परितर रोटेट कर रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटेट कर रहा है, रोटेट, रोटेशन में है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस में है, रोटेशन में, तो जैसे कि कोई भी बच्चा है वो अपने हाथ में एक बॉल को लेके ऐसे करके घुमा रहा है, जब वो घुमा रहा है तो इसमें दो छदम बल होते हैं, एक तो ये बाहर को भागने की कोशिश करेगा तो ये कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है, और एक कौन सा होगा, एक इसके परपेंडिकुलर होगा, इसकी वेलोसिटी के, एक इसकी वेलोसिटी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे दो छदम बल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दो छदम बल, दोनों ही कंडीशन में क्या है ये, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दो छदम बल होंगे यहाँ पे, जो होते नहीं है लेकिन मान लिए जाते हैं, चूंकि इधर से बाहर को कौन खींच रहा है इसको, कोई नहीं खींच रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है क्या, कोई नहीं लगा रहा है, लेकिन फिर भी ये बाहर को जाने की कोशिश करेगी बॉल, तो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, जो सेंटर की ओर अंदर को इसको जो है धक्का मारेगा, और एक जो है वेलोसिटी जब इसकी इधर को घुमा रहे हैं तो ये क्या है, एक इसके परपेंडिकुलर होगा, एक इसके वेलोसिटी अगर हम इधर को घुमा रहे हैं तो एक इसके परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर मतलब ये बाहर को छोड़ के जाने की कोशिश करेगा वेलोसिटी के साथ में, तो ये क्या है, ये भी दो छदम बल हैं, जो कि होते नहीं है लेकिन अप्लाई होते हैं, न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, वो जीरो है, लेकिन त्वरण क्या, वो क्या हो रहा है इसमें, कॉन्सेप्ट न्यूटन का वो फेल हो जा रहा है, क्योंकि फिर भी दोनों अनुभव हो रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, तो इसलिए ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाते हैं। आगे हम
सही से करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये तो थी बेसिक जानकारी इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम की। अब हम पढ़ेंगे क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हमने एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया और हम उसमें क्या देखेंगे, हम उसमें देखेंगे कि जो इनर्शियल है उसका नियम क्या है। लेट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जेड, ठीक है। तो इसमें क्या है, एज पर न्यूटन लॉ F इक्वल टू एम ए होता है। कौन सा है न्यूटन का, न्यूटन का सेकंड लॉ है ये, न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू एम ए होता है। क्योंकि हमारा F क्या है, क्योंकि बा है बल क्या है हमारा, बा है बल जो है वो जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या है हमारा वो जीरो है। तो F जब जीरो हो जाएगा यानी कि F इक्वल टू जीरो है क्योंकि इनर्शियल फ्रेम है और इनर्शियल फ्रेम में हमने मान लिया ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। क्योंकि हमने रेस्ट में लिया है तो हम रेस्ट वाली कंडीशन लगाएंगे, F इक्वल टू जीरो, बाय फोर्स लग नहीं रहा, दोनों ही कंडीशन बाय फोर्स नहीं लगता है तो F इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और F इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एम इंटू, चूंकि हमने ये एक्स वाई जेड में लिया है तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड ले लेंगे हम, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, डी जो हमारा एक्सेलरेशन होता है एक्स वाई की फॉर्म में क्या हो जाएगा, डी टू एक्स होगा डी टी स्क्वायर। ये कैसा आएगा हमारा, क्योंकि वेलोसिटी हमारी क्या होती है, डी एक्स अपॉन डी टी, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम वेलोसिटी होती है। पर जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम फिर से फर्दर तो हमारा क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें एक्सेलरेशन डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। तो हम यहां पे लिख देंगे डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर हम लिख देंगे। तो ये क्या है, जीरो है हमारा, क्योंकि ये जीरो है। और ऐसे ही हमारा सेम डिक्टो किस में आएगा, हमारा वाई डायरेक्शन में भी आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एफ हमने जीरो ले लिया, इक्वल टू एफ, एफ हमारा क्या है, जीरो है ही, तो जीरो हो जाएगा। अब सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसी तरह सिमिलरली y के लिए भी हो जाएगा हमारा, डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, डी टू जेड ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यानी कि त्वरण जो है वो x डायरेक्शन में भी जीरो हो गया, त्वरण y डायरेक्शन में भी जीरो हो गया, और एक्सेलरेशन हमारा z डायरेक्शन में भी जीरो हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन विल बी जीरो इन ऑल डायरेक्शन इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स Applied on object, कोई भी object पर external force apply नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, acceleration in all direction will be zero, यानी कि डी टू एक्स होगा डी टी स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू जीरो, डी टू वाई होगा डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, डी टू जेड ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तीनों डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डायमेंशन में क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ये क्या लिखा है, तीनों तलों में
हमारा त्वरण जो है ऑब्जेक्ट का वो जीरो हो जाएगा यदि ऑब्जेक्ट पर कोई बाह्य फोर्स नहीं लग रहा है। न्यूटन का न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन का प्रथम लॉ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई बाह्य फोर्स नहीं लगता, वो रेस्ट में रहता है हमेशा। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई बाह्य फोर्स नहीं लगेगा। तो ये जो है हमारा प्रूफ हो गया जड़त्व का नियम। क्या हो गया? ये जड़त्व का नियम यही है हमारा। तो ये कैसा हो जाएगा? हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और चूंकि वेलोसिटी कितना है, क्योंकि वेलोसिटी यू एक्स कितनी हो जाएगी, डी एक्स ओवर डी टी, और यू वाई कितना हो जाएगा, डी एक्स डी वाई, डी वाई ओवर डी टी, और यू जेड कितना हो जाएगा, डी जेड ओवर डी टी। तो ये कैसे होंगे? ये कांस्टेंट होंगे, तभी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या तो मूव कर रहा हो। दो कंडीशन है, या तो एफ जीरो हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो ये क्या है? कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। दो कंडीशन है, देयर आर टू कंडीशन। कौन कौन सी है? नंबर एक, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल या तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो, या फिर हमारा क्या हो, और क्या हो हमारा, या फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किससे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या तो हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि जड़त्व का नियम क्या है, अर्थात बिना बाह्य बल के ये वस्तु स्थिर वेग से चलेगी, यही जड़त्व का नियम है। बिना बाह्य बल के कांस्टेंट वेलोसिटी से हमेशा मूव करता रहता है ऑब्जेक्ट, यही जड़त्व का नियम है। जो निर्देश तंत्र जड़त्व के नियम न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम का पालन करे, जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। तो इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच ओबे, दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच ओबे, जो पालन करे न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। और फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ इज जो ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है उसी में रहेगा जब तक बाह्य फोर्स नहीं लगता। जब तक ऑब्जेक्ट पर बाह्य फोर्स नहीं लगता वो उसी में रहेगा। सेकंड लॉ क्या है? कि जो अप्लाइड फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है ऑब्जेक्ट के। सेकंड लॉ ये है। तो ये दोनों क्या करता है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओबे करता है दोनों का। सिंपल है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप क्लियर हो गया होगा। आई होप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं किस पे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम का पालन करे उसे इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसा इनर्शियल फ्रेम, ऐसा इनर्शियल फ्रेम जो बाहरी बल की अनुपस्थिति में त्वरण से चलता दिखाई दे। इन दिस
फ्रेम ऑफ रेफरेंस एफ क्या होगा, जीरो होगा, बाहरी बल क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स विल बी एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा, फिर भी ये क्या होगा, तुरंत से चलेगा, इसमें क्या होगा, तुरंत जीरो नहीं होगा, बट एक्सेलरेशन विल नॉट बी जीरो, विल नॉट बी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, इसमें बाह्य फोर्स तो जीरो होगा बट एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो होगा बट एक्सेलरेशन नहीं जीरो होगा, एक्सेलरेशन होगा इसमें, जैसे कि कार में बैठे यात्री, जैसे कि कार में बैठे यात्री कार के रुकने पर अपने ऊपर एक धक्का महसूस करते हैं, कार हो गई या बस हो गई, क्या हो गई, कार हो गई या फिर बस हो गई, बस में बैठे यात्री तो जो धक्का महसूस कर रहे हैं, ये जो धक्का महसूस हो रहा है यही क्या है, ये क्या है, एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, यही क्या है, त्वरण क्या हुआ, त्वरण पैदा हो गया, त्वरण पैदा हो गया भैया, जबकि बाह्य फोर्स नहीं लगा, त्वरण पैदा हो गया, जबकि बाह्य फोर्स क्या है, जबकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, और त्वरण क्या हो गया, पैदा हो गया, क्योंकि धक्का महसूस किया, उनकी वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंज हुआ, तो बस में, बस रुकते ही यात्रियों का, बस में बस रुकते ही यात्रियों का एक तरफ को झुक जाना ही क्या है, यात्रियों की क्या हो गया, ये झुक जाना क्या हो गया, यात्रियों की वेलोसिटी में परिवर्तन, यात्रियों की वेलोसिटी में क्या हो गया, परिवर्तन, परिवर्तन क्या हुआ, पहले वेलोसिटी जीरो थी, बी आई कितनी थी, जीरो, और बी फाइनल कितनी हो गई, वो जीरो नहीं है, बी फाइनल जीरो नहीं है, तो ये क्या होगा, चेंज, और वेलोसिटी में परिवर्तन ही क्या होता है, वेलोसिटी में परिवर्तन समय के साथ क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, क्या कहलाता है, त्वरण, त्वरण पैदा हो गया, सिंपल है कॉन्सेप्ट, बस में जब बस में बस रुकते ही यात्रियों का एक तरफ झुक जाना, यात्रियों की वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ, यानी कि वेलोसिटी जो इनिशियल थी वो जीरो थी और फाइनल वेलोसिटी जीरो के बराबर नहीं रही, जैसे ही वो झुके वो आगे बढ़े या पीछे पीछे को गिरे, जिधर भी वो गिरे तो वो क्या हो गई, वेलोसिटी में चेंज हो गया, और वेलोसिटी में चेंज हुआ तो वेलोसिटी परिवर्तन ही क्या होता है, त्वरण होता है, तो त्वरण वहां पे पैदा हो गया, त्वरण पैदा हो गया तो ये क्या हो गया, ये न्यूटन के लॉ का, न्यूटन के सेकंड लॉ का खंडन हो गया साफ साफ यहाँ पे, कि फोर्स जीरो होने पर त्वरण बचा कैसे रह गया, त्वरण पैदा कैसे हुआ, तो ये सिंपल है, और फिर इसी को हम क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल, तो बस यहाँ पे क्या हो गई, तो यहाँ पे जो बस है इस पूरे प्रक्रम में वो बस क्या हो गई, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई बस, क्या हो गई, बस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
तो यहां पर बस ही नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई, सिंपल है। तो अब ऐसे ही क्योंकि बस क्या थी, मोशन में थी, अब अर्थ क्या है, अर्थ भी किसमें है, अर्थ भी मोशन में है, अर्थ किसमें है, मोशन में है, अर्थ एक घूमता हुआ ग्रह है। तो अर्थ जब घूमता हुआ ग्रह है, और हमने अभी पढ़ा कि जब कोई चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है और वो अचानक से रुक जाए तो वही क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये भी क्या है, ये भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। क्या होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या रुक जाए या फिर उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन हो जाए तो क्या हो जाता है, जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसके लिए वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना हुआ है, सिंपल है। अगर हम कमरे में खड़े हैं तो कमरा हमारे लिए क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम बस में खड़े हैं तो बस हमारे लिए क्या हो गई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज होती है जिसके सापेक्ष में हम अपनी पोजीशन पता लगा सकते हैं। अगर हम बस में खड़े हैं तो हम बस के सापेक्ष में अपनी पोजीशन पता लगाते हैं कि बस में हम कहाँ पे हैं, या फिर पूरे मतलब जैसे कि बस ट्रेन से हम जा रहे हैं कलकत्ता से आगरा, या बरेली से हम नैनीताल जा रहे हैं, तो हम उसमें अपनी पोजीशन का पता लगाएंगे। तो वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा ट्रेन का, वो कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि पृथ्वी घूमता हुआ है। तो जहां पे बाह्य फोर्स तो जीरो हो लेकिन एक्सीलरेशन फिर भी पैदा हो जाए अंदर वाले ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है जिसमें वो ऑब्जेक्ट रखा होता है, सिंपल सी बात है। तो अर्थ भी क्या है, घूमता हुआ एक ग्रह है, तो कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा ये भी। तो इसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा था क्या अर्थ जो है वो इनर्शियल फ्रेम है, क्या अर्थ इनर्शियल फ्रेम है, इज अर्थ एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, अर्थ क्या है, अर्थ इज नॉट, तो क्या हो जाएगा, अर्थ इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा अर्थ। क्या होगा, अर्थ जो होगा, चूंकि पृथ्वी एक घूमता हुआ निर्देश तंत्र है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अतः ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं है। तो ये कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चूंकि पृथ्वी पे कोई भी अगर घटना होती है तो वो हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि वो बहुत वाइड लेवल पे, हम बहुत छोटी सी चीज है उसके सामने, वो बहुत बड़ी है, इसलिए। बाकी ये है कैसा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसका, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे, सेकंड पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन वन। क्या है सेकंड पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन वन, है कि जब मतलब एक जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, व्हाट डू यू मीन बाई, उसमें गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या रोल है, उसमें गैलीलियो इनवेरियंस और गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या रोल है। तो गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या करेंगे हम, गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन, क्या क्या पढ़ाई, क्या पढ़ेंगे हम, गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियो रूपांतरण से आप क्या समझते हैं, तथा गैलीलियो निश्चरता के सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं। गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे सबसे पहले हम। क्वेश्चन वन का कौन सा है, ये बी पार्ट, तो इसका गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे हम। इसमें भी कई सारे पार्ट हैं, तो गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन पहले देखेंगे हम। गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम क्या देखेंगे, इनवेरियंस, गैलीलियो इनवेरियंस देखेंगे हम, क्या गैलीलियो इनवेरियंस देखेंगे हम इसमें, गैलीलियो इनवेरियंस के बाद हम इसमें क्या देखेंगे कि डिस्टेंस और एक्सेलरेशन अगर इनवेरियंट हैं तो वेलोसिटी इनवेरियंट नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन बट नॉट द वेलोसिटी। तो क्या है, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज नॉट इनवेरियंट
वाइल क्या देखेंगे हम, ये देखेंगे वाइल एक्सेलरेशन, वाइल एक्सेलरेशन और पोजीशन क्या है वो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, वाइल एक्सेलरेशन एंड पोजीशन, एक्सेलरेशन और पोजीशन क्या हो रही है वो हमारी ट्रांसफॉर्म हो रही है, वाइल एक्सेलरेशन एंड पोजीशन, पोजीशन या फिर डिस्टेंस जो भी है, पोजीशन इज ट्रांसफॉर्मिंग, सॉरी वाइल पोजीशन एंड एक्सेलरेशन, वाइल पोजीशन इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर देखेंगे ना हम ये सब चीजें, ट्रांसफॉर्म अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हो गया, सिंपल सी बात है कि जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल है तो उसमें डिस्टेंस है और एक्सेलरेशन है, तो डिस्टेंस एक्सेलरेशन हमारा क्या है, इनवेरिएंट है, मतलब वेरी नहीं कर रहा है, तो हमारा जो वेलोसिटी है वो क्यों वेरी, वो क्यों इसको फॉलो नहीं कर रही है, इतनी सी चीज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले हम जानेंगे किसको कहते हैं। गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे मान लीजिए कि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मान लिया हमने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक, ये एक्स एक्सिस जेड एक्सिस वाई एक्सिस, अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, नॉन इनर्शियल, तो ये मूव कर गया हमारा, मूव कर रहा है ये, और ये हमारा फ्रेम क्या है, ये फ्रेम एस है हमारा, और ये फ्रेम कितना हो गया, फ्रेम एस डैश हो गया, ये जेड डैश एक्स डैश वाई डैश, ये हमारा पॉइंट पॉइंट है, कोई कोई पॉइंट ले लिया हमने, हमने मान लिया कि जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्स वाई जेड है, और जिसके जिसमें कि कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है माना टी समय पे, इसमें क्या है टी समय पे ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मूव कर गया, अब मूव करके इसको जब ये ओवरलैप करेगा यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे इसके क्या है टी है टाइम, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, किसके साथ होंगे एंड टी, इसके साथ में होंगे ये टी टाइम के, और इसके कितने हो जाएंगे एक्स डैश कॉमा वाई डैश कॉमा जेड डैश, किसके साथ में टी डैश के, किसके साथ में हो जाएंगे टी डैश के, और चूंकि जब ये ओवरलैप कर रहा होगा व्हेन एस एंड एस डैश जस्ट ओवरलैप्ड, जब ये ओवरलैप हुए होंगे दोनों, जस्ट ओवरलैप्ड, जस्ट ओवरलैप्ड, जब ये दोनों ओवरलैप्ड हुए ही होंगे तब क्या होगा हमारा टी इक्वल टू टी डैश होगा, टी इक्वल टू टी डैश हुआ होगा, चूंकि यहाँ पे दो बज रहे होंगे तो यहाँ पे भी टाइम कितना हो रहा होगा उसके सापेक्ष में दो ही बज रहे होंगे, क्योंकि ये जो है हमारा फ्रेम यहाँ से मूव कर रहा है, ये इसका क्या है इसी का फ्रेम है जो कि मूव करके यहाँ पे आ गया है, पोजीशन चेंज हो गई है, तो दोनों जब ओवरलैप कर रहे हो यानी कि ये वाली चीज जब यहाँ पे होगी तो क्या होगा, दोनों का टाइम जीरो हो जाएगा, दोनों के सापेक्ष में टाइम जीरो ही हो जाएगा। अब टाइम जीरो कैसे हो जाएगा, ये बहुत ही रहस्यमय टाइप की बात लगती है लेकिन ये है नहीं, एक्चुअल में ये सब फिजिक्स है। तो टाइम कैसे जीरो हो जाएगा, मान लीजिए दो घड़ियां हैं, एक मेरे हाथ में है और एक मैं जिस बस में बैठा हूं उसमें है, बस मूव कर रही है और मैं भी मूव कर रहा हूं बस के साथ, तो मेरा टाइम जो है बस के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बस में चाहे 3 बजे हो चाहे मेरी घड़ी में 4 बजे हो, जो टाइम है वो वहां का वहीं रुक जाएगा हमारे लिए, क्योंकि जितना टाइम मेरी घड़ी में आगे बढ़ेगा उतना ही बस में आगे बढ़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली दोनों आगे बढ़े हैं, तो कैंसिल, जीरो कोई मतलब ही नहीं बनता है फिर हमारा रेस्पेक्ट में उसके, तो बस के रेस्पेक्ट में मेरा टाइम जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है, समय जीरो हो जाता है। तो दो एक ही चीज है, कोई भी छड़ है मान लो, ऐसा मान लो कोई भी छड़ ले ली हमने और इसके एक पॉइंट के निर्देशांक कितने हैं एक्स डैश वाई डैश, और एक के कितने ले लिए एक्स वाई जेड एंड एंड टी ले लिए हमने, ठीक है, ये हमारी क्या है
कोई भी छड़ है हमने ले ली, ये पॉइंट ले लिए, तो टाइम जो होगा इस पॉइंट के सापेक्ष में, इस पॉइंट का टाइम क्या होगा, जीरो होगा। सिंपल सी बात है, जब 2 बजे ये पॉइंट यहाँ पे स्थित हुआ होगा तभी 2 बजे ये हुआ होगा, जब इस छड़ को हम यहाँ पे रखेंगे तो। तो जब छड़ सिचुएटेड यहाँ पे होगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो जितने यहाँ पे इस वाले पॉइंट के लिए बजे होंगे उतने इस वाले पॉइंट के लिए बजे होंगे, टाइम क्या हो गया जीरो। टाइम क्या हो गया ऐसी कंडीशन में, टाइम जीरो हो जाएगा। अभी लिखते हैं, समय जीरो हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। तो सिंपल सी बात है, कोई भी पॉइंट है ये पी पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। तो हमने क्या कहा, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में किसी कण या वस्तु के निर्देशांकों को संबंधित करने वाले समीकरण गैलीलियन रूपांतरण कहलाते हैं। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दोनों को क्या रूपांतरित करने वाले, ट्रांसफॉर्म, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफॉर्म करने वाले निर्देशांकों को जो रूपांतरित करते हैं वो समीकरण क्या कहलाते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, स्थिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस मान लिया हमने, लेट ए स्थिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है, सही है, हमने एस ले लिया, ये ले लिया, ऊपर लिया है। स्थिर का मतलब क्या है, वो हिलडोल नहीं रहा है, स्थिर है यानी कांस्टेंट है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है उसमें, स्थिर। जो कि एस के सापेक्ष एक्स अक्ष की दिशा में वेग बी से गतिशील है, ये क्या है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स अक्ष के सापेक्ष वेग बी से गतिशील है। तो क्या है, वेग बी से गतिशील है, ये सीधी सी बात है। तो यहां वेग बी से जब ये गतिशील है, कितने से मान लिया हमने, वेग बी से गतिशील है, किसकी दिशा में, एक्स की दिशा में, क्योंकि डायरेक्शन है, वेक्टर लगा देंगे। तो दोनों निर्देश तंत्र के मूल बिंदु ओ जो है उस पर टी इक्वल टू टी डैश जीरो हो जाएंगे, ये क्या है मूल बिंदु ओ। दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश के मूल बिंदु वही पोजीशन है जहां पे दोनों ओवरलैप्ड हो जाएंगे, मूल बिंदु ओ के लिए टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी डैश कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू टी डैश, और दोनों कितना कितना हो जाएंगे, जीरो। ये मैं बता चुका हूं कैसे जीरो होता है छड़ वाले एग्जाम्पल से, एक ही छड़ के दोनों पॉइंट के लिए समय क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जैसे ही वो मूल बिंदु पर पहुंचेगा दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के समय क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समय समय जीरो हो जाएगा। और क्या होगा हमारा निर्देश तंत्र एस में, जो पी पी जो हमने छड़ मानी थी या पी के निर्देशांक जो है वो एक्स वाई जेड टी एस निर्देश तंत्र में होंगे, और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी टी डैश जो है वो एस डैश में होंगे। बिंदु पी के कोऑर्डिनेट एस के लिए क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड और क्या हो जाएंगे, एंड टी समय, और एस डैश के लिए क्या हो जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। ये रहा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जेड डैश एक्स डैश और ये रहा वाई डैश। तो यहां से लेके और ये क्या है पॉइंट पी मान लिया कोई हमने, तो पॉइंट पी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, ठीक है।
ये एक्स हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, मूल बिंदु यहां से ओ डैश से, ओ मूल बिंदु ओ डैश से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसको हम छोटा मान ले, ये एक्स डैश, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स डैश हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस एक्स डैश हो गई, और ये जो है ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई, चूंकि मूव किससे कर रहा है, वेलोसिटी बी से मूव कर रहा है, तो बी बी से मूव कर रहा है, तो एक्स बी अपॉन कितना है टी, टाइम के साथ मूव कर रहा है, एक्स इक्वल टू, तो बी चाल बराबर दूरी बटे समय वारे फॉर्मूले से ये कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू बी टी। तो ये जो मूव कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, वी टी हो जाएगा, यहाँ से कहाँ तक की, यहाँ तक की, क्योंकि ये जो है मूल बिंदु पर शिफ्ट हो जाएगा जाके, दोनों क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, तो ये डिस्टेंस जो है वो कितनी ट्रेवल करके जाएगा, जी बी टी, डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एक्स इक्वल टू बी टी प्लस का एक्स डैश आ जाएगी, इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल टू बी टी प्लस का एक्स डैश, दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरी डिस्टेंस मिल जाएगी हमें एक्स, सिंपल है, ठीक है। क्योंकि ये जो है हमारा मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड और टी दोनों थे, टी कहाँ पे जीरो होगा, मूल बिंदु पे जाके जीरो होगा टी, तो यहाँ तक तो टी चलेगा साथ में, और एक्स क्या है, डिस्टेंस जितनी इसने यहाँ तक ट्रेवल की वो डिस्टेंस कितनी है हमारी, वो डिस्टेंस एक्स, तो हमारी पूरी कंप्लीट डिस्टेंस है यहाँ तक, जहां तक ये इस पे जाकर ओवरलैप कर गया, तो हमारी ये जो डिस्टेंस है, मान लिया हमने इसको डिस्टेंस लिख लिया बस, कोई भी हम इसको एक्स वाई जेड नहीं मान रहे, खाली डिस्टेंस लिख ले रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो इस वाली एक्स में और इसमें, ये हमने डिस्टेंस लिख ली, यहाँ पे भी हम डिस्टेंस लिख दे रहे हैं। तो डिस्टेंस जो इसने यहां तक ट्रेवल की मूल बिंदु तक बी टी, तो ये क्या है, डिस्टेंस में ये डिस्टेंस, जुड़ के टोटल डिस्टेंस बना ली, एक्स इक्वल टू वी टी प्लस एक्स डैश। अब यहां से चूंकि हमारा क्या मिल जाएगा, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस का बी टी, ये मिल गया हमें समीकरण, ये समीकरण एक मिल गया हमें, यही हमारे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन समीकरण को दर्शाएंगे यही चीजें, गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन को, एक रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस तक जा, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे निर्देशित होने वाले निर्देशांकों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा, सिंपल सी बात है। अब हम आगे क्या करेंगे, इसमें एक्स बाई जो है बाई जेड, चूंकि बाई जेड पूरा का पूरा यहाँ बाई बाई एक्सिस जो है बाई बाई डैश एक्सिस पे आ जाएगा, बाई एक्सिस बाई डैश एक्सिस पे एज इट इज आ गया, कोई डिफरेंस नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बाई इक्वल टू बाई डैश हो जाएगा, और ऐसे ही जेड हमारा जेड डैश पे आ गया, जेड इक्वल टू जेड डैश हो जाएगा, सिंपल है, जेड इक्वल टू हमारा जेड डैश हो जाएगा, और टी समय क्या है, समय भी हमारा टी था, टी डैश पे आ गया, तो टी इक्वल टू टी डैश हो जाएगा, समय भी कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू टी डैश हो जाएगा, सिंपल सी बात है। समय जो हमारा बाई है, बाई हमारा बाई डैश हो जाएगा इक्वल, जेड हमारा जेड डैश के इक्वल हो जाएगा, टी हमारा टी डैश के इक्वल हो जाएगा, मूल बिंदु पर जीरो हो जाएगा वो बात अलग है, लेकिन दोनों होंगे इक्वल ही, क्योंकि बाई बाई में है इसने कोई ट्रेवल नहीं किया, बाई एज इट इज आ गया, तो बाई में हमारा डायरेक्शन में ट्रेवल ही नहीं कर रहा, ये एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्योंकि मूव विद वेलोसिटी बी किसमें, इन एक्स एक्सिस, तो सिंपल है, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो बाई इक्वल टू बाई डैश, जेड इक्वल टू जेड डैश, टी इक्वल टू टी डैश हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो जो समीकरण एक और जो समीकरण दो हैं, कौन कौन से, ये वाला और ये टी इक्वल टू टी डैश, समीकरण दो यही क्या है,
गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन समीकरण है, क्या है ये? गैलीलियन रूपांतरण, गैलीलियन तो क्या है, बोथ इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू आर दी गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन। यही गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन है कि टी जो है वो भी अनचेंज रहेगा। कैसे अनचेंज रहेगा, मैं बता चुका हूं कैसे अनचेंज रहेगा। कोई भी चीज है, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें एक पॉइंट ये है उसका और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पॉइंट ये है, दोनों पॉइंट के लिए टाइम तो बराबर ही रहेगा। जब पॉइंट ये सिचुएटेड यहाँ होगा एक फ्रेम में, तो दूसरे फ्रेम में भी, तो ये तभी तुम हो, तुम दो बजे दो बस में भी दो बज रहे हैं, तुम्हारी घड़ी में भी दो बज रहे हैं, तुम बस में चढ़ गए बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे, तो जितने तुम्हारी घड़ी में बजे हैं उतने ही बस की घड़ी में बजे हैं, तो दोनों के एक दूसरे के रेस्पेक्ट में टाइम तो जीरो हो गया। टाइम दोनों के रेस्पेक्ट में वेरी नहीं कर रहा है, टाइम बाकी बाहरी वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में वेरी जरूर कर रहा है, लेकिन दोनों के रेस्पेक्ट में टाइम वेरी नहीं कर रहा है। यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताते हैं। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हिसाब से जो चीजें समझ चुके हैं आप, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से भी चीजें कैसे होती हैं वो भी समझ चुके हैं। आई थिंक ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा। टाइम कैसे है कॉन्स्टेंट, टाइम कैसे हमारा इक्वल है वो भी पता लग गया होगा, और टाइम मूल बिंदु पर जीरो कैसे है वो भी आई थिंक पता लग गया होगा। बाई डैश और बाई इक्वल क्यों है, क्योंकि हमारे वाई डायरेक्शन में कोई मूव हो ही नहीं रहा है, इसको एक्स डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, और एक्स डायरेक्शन में एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी क्यों आया वो भी आई थिंक पता लग गया होगा, क्योंकि हमारा ये क्या है वी टी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चूंकि यहाँ पे जाके टाइम जीरो हो रहा है हमारा जब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर ओवरलैप ये कर रहा है तब। तो सिंपल सी बात है, यही गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वन एंड टू जो इक्वेशन थी, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं गैलीलियन निश्चरता की ओर। गैलीलियन निश्चरता यानी कि इनवेरिएंट, गैलीलियन निश्चरता। तो गैलीलियन निश्चरता की ओर हम चलते हैं, गैलीलियन निश्चरता हम देखेंगे। गैलीलियन निश्चरता के लिए हम क्या करेंगे, हमने कोई एक L वो जो छड़ है वो ही ले ली हमने एग्जांपल में, लेट देयर इज ए छड़ ऑफ लेंथ L, ठीक है, L L लंबाई की एक छड़ ले ली हमने, तो ये जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस S है हमारा, इसमें क्या है ये जो छड़ है इसके निर्देशांक देख लेते हैं, L लंबाई की X1 Y1 Z1 और T, और इसके निर्देशांक कितने होंगे X2 y2 z2 and t2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ एंड ऑफ थर्ड इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस कितने एक्स वन वाई वन जेड वन टी वन, ठीक है, समय के साथ एक्स टू वाई टू जेड टू और टी टू, ठीक है, ये हो गए हमारे निर्देशांक। इसके निर्देशांक समझ में आ गया, तो हमारी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी इसकी, सिंपल है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकल आएगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी कोऑर्डिनेट जो है मैथ कोऑर्डिनेट का उसमें ये बताया गया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकल आएगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर z2 माइनस
जेड वन का स्क्वायर ये हो भाई, सिंपल है, जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर हो गया। तो ये लेंथ निकल आएगी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमने अपना लिया है, दूरी के फॉर्मूले से हमारा ये आया, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एस डैश में अगर इसी पल हम इसी टाइम पे इसी क्षण जिस समय इसमें दो बजे हैं, दो बजे ही हम इसको एस डैश में देखते हैं दोनों के निर्देशांक, इसी क्षण इसी क्षण एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोऑर्डिनेट इसी क्षण एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोऑर्डिनेट कितने होंगे, एक्स डैश एक्स वन एक्स बाय एक्स वन डैश बाई वन डैश जेड वन डैश, एक्स वन डैश बाई वन डैश जेड वन डैश टी वन डैश हो जाएगा, एक्स टू डैश बाई टू डैश जेड टू डैश और टी टू डैश हो जाएगा, ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है हमारे इसी क्षण यानी कि दो बजे फ्रेम एस में और दो बजे ही फ्रेम एस डैश में हम इसके निर्देशांक ले रहे हैं, तो दो बजे ही एक ही टाइम पे हमने कैलकुलेट किया, एक ही टाइम पे हमने एस डैश के लिए कैलकुलेट कर लिया, एक्स टू डैश माइनस एक्स वन डैश का स्क्वायर प्लस बाई टू डैश माइनस का बाई वन डैश का स्क्वायर प्लस जेड टू डैश माइनस का जेड वन डैश का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है इसका। तो ये हमने मान लिया एल डैश हो गई इसकी, ठीक है, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी जो लंबाई है वो ये आ गई। लेकिन किसी टाइम पर t बराबर t डैश पर जो समीकरण दो है एट t इक्वल टू t डैश, हमने t इक्वल टू t डैश पर ही तो लिया है, उसी इसी क्षण मतलब क्या है t इक्वल टू t डैश, ये है इसका मतलब, इसी क्षण t इक्वल टू तो t इक्वल टू t डैश के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, t इक्वल टू t डैश के लिए x2 डैश माइनस एक्स वन डैश इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन होगा, सिंपल सी बात है, एक्स टू डैश माइनस एक्स वन डैश इक्वल टू कितना एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा, ऐसे ही बाई हो जाएगा, बाई टू डैश माइनस का बाई वन डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा बाई टू माइनस बाई वन, जेड टू डैश माइनस जेड वन डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा जेड टू माइनस का जेड वन, और यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा टी इक्वल टू टी डैश, टाइम भी बराबर हो गया, समय बराबर होगा, तो एक्स डायरेक्शन में भी इसका जो मूवमेंट है वो कितना होगा, जितना एस फ्रेम में है उतना ही एस डैश फ्रेम में होगा, वाई डायरेक्शन में जितना एस फ्रेम में है उतना एस डैश फ्रेम में होगा, यानी कि इक्वल होगा, जेड डायरेक्शन में जेड एक्सिस में जितना एस फ्रेम में है उतना ही एस डैश फ्रेम में होगा, दोनों में इक्वल होगा, लंबाई भी क्या हो जाएगी इसकी इक्वल रहेगी, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लंबाई छड़ की इक्वल रहेगी, ठीक है, दोनों में हमारी लंबाई भी इक्वल रहेगी। तो ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी गैलिलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर रहती है, क्या रहती है निश्चर रहती है, इनवेरियंट रहती है। तो छड़ की लंबाई क्या हो गई यहाँ पे, छड़ की लंबाई गैलिलियन एल इक्वल टू एल डैश गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत, गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत कैसी रहेगी, निश्चर रहती है, कैसी निश्चर यानी कि इनवेरिएंट, इनवेरिएंट रहती है, समझ में आ गया होगा कैसे रहती है, छड़ की लंबाई वही रहेगी, उसी समय पे हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में माप रहे हैं उसी समय पे दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में माप रहे हैं उसको, तो छड़ की लंबाई कैसी रहेगी, इक्वली रहेगी, सिंपल सी बात है।
ठीक है, निश्चर रहेगी यानी कि इनवेरिएंट रहेगी। तो अब ये हो गया हमारा। अब क्या हम बेग का रूपांतरण देखते हैं, हम बेग का, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, बेग का रूपांतरण देखते हैं, बेग का रूपांतरण वेलोसिटी का। तो हमारी समीकरण एक के थी फ्रॉम इक्वेशन वन, समीकरण एक से हम देख लेते हैं, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस का वी टी था। तो एक्स माइनस का वी टी था, हम क्या करेंगे इसका बेग का रूपांतरण देख रहे हैं हम, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के सापेक्ष में इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल लेंगे हम। डी एक्स एक्स डैश अपॉन कितना हो जाएगा डी टी, इक्वल टू टाइम के सापेक्ष में कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी माइनस का बी डी टी अपॉन डी टी। तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन, कितना बन जाता है ये वन, तो ये आ जाएगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा बी, ओ सॉरी इक्वल टू नहीं, माइनस का कितना आ जाएगा बी। तो इसमें क्या आया हमारा, क्योंकि b आ गया हमारा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी है, ये क्या बन जाती है वेलोसिटी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं u डैश इक्वल टू यू माइनस का b, ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन u डैश इक्वल टू यू माइनस का b, वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए इसको। तो इसमें क्या हुआ हमारा, वेलोसिटी हमारी क्या रही, वो हमारी चेंज हो रही है, वेलोसिटी क्या है हमारी चेंज हो रही है। अतः यहाँ u डैश और u जो है s और s डैश फ्रेम में कण के क्या है, प्रेक्षित वेग हैं। तो इससे क्या होता है, अतः एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत क्या होता है, वेग, वेग क्या होता है, वेग अनिश्चर नहीं रहता, क्या नहीं रहता वेग भैया, वेग जो है निश्चर नहीं रहता, क्या नहीं रहता, वेग निश्चर नहीं रहता, वेग कैसा नहीं रहता, निश्चर नहीं रहता, वेग क्या हो जाता है, वेग में बदलाव आ जाता है, सिंपल सी बात है, वेग निश्चर नहीं रहता है तो वेग में बदलाव आ जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, वेग निश्चर नहीं रहता है। त्वरण का रूपांतरण देख लेते हैं अब हम, तीसरा त्वरण का रूपांतरण, अभी हमने वेग का देखा था, अब हम त्वरण का देखेंगे। तो त्वरण के रूपांतरण में हम क्या करेंगे, जो हमारा u डैश है, u माइनस का b आया हमारा, त्वरण के रूपांतरण में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट इनिशियल वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष में हम इसका क्या करेंगे, t के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट वेलो वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यू डैश से यू क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और बी कैसा है, बी यहाँ पे कांस्टेंट है,
तो सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएट में क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। तो डी यू डैश अपॉन डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी माइनस का कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चूंकि टी डैश इक्वल टू टी है, इसको डी टी कर लो चाहे तो ये कितना हमारा डी यू डैश अपॉन डी यू इक्वल टू डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, और ये कितना आ गया हमारा ए डैश इक्वल टू ए, ये हो जाएगा हमारा। गैलीलियन रूपांतरण में क्या है, कण का त्वरण निश्चर रहता है, क्या रहता है, अतः कण का त्वरण निश्चर रहेगा किसमें, इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, किसमें रहेगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। ये हो गया क्वेश्चन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रहेगा, कण का वेग निश्चर रहेगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या रहेगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में निश्चर रहेगा, यही हमारा क्वेश्चन था कि त्वरण निश्चर है किंतु वेग निश्चर नहीं है और दिशा निश्चर नहीं है। वेग निश्चर नहीं है, त्वरण निश्चर है, क्या था क्वेश्चन, वेग निश्चर है परंतु त्वरण और दिशा निश्चर नहीं है, वेग निश्चर है परंतु क्या, त्वरण निश्चर है और दिशा निश्चर है किंतु वेग क्या है, वेग निश्चर नहीं है। Velocity is not invariant while acceleration and position is invariant under transformation of Galileo. इतनी सी बात थी, क्या थी, इतनी सी बात कि वेग जो है वो क्या नहीं है, वेग निश्चर नहीं है, दूरी तथा त्वरण निश्चर है। दूरी तथा त्वरण, दूरी व त्वरण निश्चर हैं किंतु वेग निश्चर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि दूरी व त्वरण क्या है, डिस्टेंस ही हमारी कितनी आई, एल डैश इक्वल टू एल, लंबाई इन एस एंड एस डैश एंड एस फ्रेम, और क्या है हमारा, और त्वरण ए डैश इक्वल टू ए, और ये कितना आया हमारा, ये आई हमारी डी यू डैश, ओ सॉरी यू डैश इक्वल टू यू माइनस का वी, ये आई थी। आई होप समझ में आ गया होगा पूरी तरह से कि ये निश्चर क्यों है और ये निश्चर क्यों नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा, यही हमारा फाइनल लेक्चर था। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल का नाम है पेपर हैकर, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।